झूठ बोलने का सारा ठेका आप लोगों ने रखा है। संजय जी, अरे आपकी क्या असलियत है, मैं बताऊं आपको शर्म आएगी। नाम नाक रगड़ लेना चाहिए चुल्लू भर पानी में। आपकी सरकार पर आरोप है शहीदों के ताबूत में दलाली खाने का। झूठ बोलने के लिए थोड़ा शर्मा लिया करो, थोड़ी सी शर्म। नमस्कार दोस्तों, पंजाब टुडे टीवी पर आपका स्वागत है, जहां आपको गोदी मीडिया का अनफिल्टर्ड सच दिखाया जाता। तो पहले क्लिप में हम देखेंगे हमारे देश के सबसे बड़े योग गुरु रामदेव, जो के बाबा कम और बिजनेसमैन ज्यादा हैं, अब अपने हाथ और ज्यादा पैसे कमाने की तरफ बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में अंजना ओम कश्यप ने जब स्क्रिप्ट से हटकर रामदेव की पैसे कमाने वाली सोच पर कुछ कठिन प्रश्न पूछना शुरू किया, तो कैसे रामदेव बाबा की दोनों आंखें खुल गई। आपने एक बीमार कंपनी को खरीदा जो लॉस में चल रही थी, गुची सोया। उसके बाद आपने उसमें पहले ही टर्नओवर में आपने उसमें फायदे में कंपनी को डाल डबल किया, डबल कर दिया। अब आप इतने में भी आपका मन नहीं मान रहा है, अब आप FPO लेकर आ रहे हो और जनता से कह रहे हैं फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, जो कि 615 से 650, 650 का एक शेयर, 650 में ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स आ गए। इतना पैसा का क्या कीजिएगा, और आप आम लोगों से अब पैसा क्यों मांग रहे हैं स्वामी? तो मरना तेरे को डर नहीं लगता? ये नाम लगा के घूम रहे है तू। तो पहले तो बीमारों का इलाज करना हमारा काम है, और पैसा मैं कहूंगा आप भी थोड़ा लगा लेना, आपकी भी किस्मत बदल दे। और अगर अगर डूब गया पैसा तो? क्यों डूबेगा, जब अब ये तो खैर ऐसा बोल नहीं सकते सेबी की गाइडलाइन के अनुसार, लेकिन हमारा कर्म ऐसा है, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है, हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है, हमारे प्रोजेक्शन ऐसे है, हमने काम इस तरह से किया है कि हम लोगों के साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे बाबा जी, आप क्या वही वाले बाबा / बिजनेसमैन हो, जो कोरोना जैसी महामारी के समय में गरीब लोगों को ठगने के लिए अपनी कंपनी पतंजलि के आटे और कई और वस्तुओं के दाम 10% बढ़ा दिए थे? जहां गरीब भूख से मर रहे थे, वहीं दूसरी ओर बाबा अपनी जेबें भर रहे थे। अभी ये कह रहे हैं कि ये लोगों के साथ धोखा नहीं करते। और काम क्या है, धोखे की बात नहीं है सर, धंधा है ना। अरे अगर फिसल गया, अरे धंधा है लेकिन कोई ये गंदा नहीं है। टर्नओवर देखते हैं, उसका एबिटा देखते हैं, ये सब कुछ आपका यदि ठीक है तो ये तो आप का। और फिर ये जो आप कह रहे हो ना कि आप पैसा लेकर के करेंगे क्या, इसमें से करीब 3300 करोड़ रुपए से तो हम डेट फ्री कर देंगे, फिर लगभग 0% डेट, कोई नॉमिनल सा होगा वर्किंग कैपिटल। डेट आपका मतलब जो ऋण है वो 3300 करोड़ बचा है, वो 3300 करोड़ रुपए पूरा खत्म हो जाएगा ये 4300 करोड़ में से, फिर इसका जो है लगभग मामूली सी वर्किंग कैपिटल हमारी बचेगी। जनता पूछेगी कि योग करें बाबा को देखकर कि अब पैसा भी जेब से निकाल के अब बाबा को पैसा बर्बाद पहन। अभी पिछले कुछ दिनों से बीजेपी प्रवक्ता के रूप में एक नया आइटम गोदी मार्केट में आया है, जिसका नाम है शहजाद पूनावाला। नाम सुनकर तो ऐसा लगता है कि ये इंसान धर्मों की नफरत खत्म ही कर देगा, पर इस क्लिप में गोदी मीडिया और बीजेपी के लोगों ने अरविंद केजरीवाल के कश्मीर फाइल्स के बयान पर हमला करना शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल के बयान की सच्चाई आपको हम अगले क्लिप में दिखाएंगे, पहले ये क्लिप देखें। अरे अरविंद केजरीवाल जी को केंद्र की सत्ता दे दो, देखो हम कैसे बसाते हैं। केंद्र की सत्ता दे दो, केंद्र की सत्ता दे दो, मुझे सत्ता दे दो, ये इनकी मंशा है, ये इनकी मंशा है, केंद्र की सत्ता दे दो। ये बात पूरी हो जाने दीजिए, जवाब देने का आपको पूरा मौका मिलेगा। तो इसमें तो कोई झूठ नहीं है, बीके गंजू की बात हो, गिरिजा टिकू की बात हो, ऐसे तमाम नाम है, टपलू जी की बात हो, इनमें तो कतई झूठ नहीं है। आज कश्मीरी पंडितों की पीड़ा को बताने के लिए अगर एक फिल्म आ गई, बोला ये एक फिल्म क्रिएट की जा रही है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल जी का विधानसभा में ये बयान है, सुनिए, ये भारतीय भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी का विधानसभा में ये बयान है, फिल्म में इनका कितना हिस्सा है, इस फिल्म को ये कश्मीरी झूठी फिल्म का मैं पोस्टर भी नहीं लगाऊंगा, ये किसने कहा था? झूठी फिल्म का मैं पोस्टर भी नहीं लगाऊंगा, ये किसने कहा था? ऐसा है, हमारी पार्टी किसी भी झूठी फिल्म का पोस्टर भी नहीं लगाएगी। पोस्टर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास है, किसी फिल्म का पोस्टर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का। चाहे भारतीय जनता पार्टी फिल्म को दिखाना ही है, देश के हिंदुओं को जागरूक करना है। भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, सच्ची भूपेंद्र जी, आपने एक भूपेंद्र जी, भूपेंद्र जी, ये
ये स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है केजरीवाल का इस मुद्दे को दूसरी जगह झूठी है क्या? ये स्टेटमेंट मेरे ख्याल यहाँ बैठे पूरी ऑडियंस ने देखा है, सबने देखा है ना, विधानसभा में, विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कहा झूठी फिल्म, इस बात को आप नहीं नकार सकते ना। तो जैसा कि आपने देखा अरविंद केजरीवाल ने ये बयान दिया था और बीजेपी के जोर लगाने पर भी इनकी हेट प्रोपेगेंडा फैलाने वाली फिल्म कश्मीर फाइल्स को कहा था कि ऐसी झूठी फिल्मों को मैं टैक्स फ्री नहीं करूंगा। जो ये क्लिप आप देखने जा रहे हैं, इस क्लिप में जो महिला आपको नजर आएंगी वो इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना जी की पत्नी है जो कश्मीर में शहीद हुए थे। इन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाने वाले लोगों पर केस किया है कि इस फिल्म में सच नहीं दिखाया गया। ऑब्जेक्शन है जो मेरे हस्बैंड का गलत सीन दिखाया है, उससे ऑब्जेक्शन है। इन्होंने दिखाया है, आप देखो कर्फ्यू लगा है, आप खुद सोचो कर्फ्यू लगा है तो बच्चे स्कूल कैसे जा रहे हैं? सबसे बड़ी गलती नोट करने वाली है ये। क्या लोग इतनी बड़ी कॉल है जो पाकिस्तान से भी इतने प्रोएक्टिव हो रखे हैं, बेनजीर भुट्टो का भी उन्होंने बताया है और क्रिकेट मैच का भी बताया है कि जो हा हल्ला ये लोग करते हैं, और आप ये बता रहे हो कि इतना तूफान उठा है, जेनोसाइड 19 को हो गया है और लोगों के लिए इतनी प्रॉब्लम, जो किलिंग ऐसे हो रही है, रोड साइड पे ब्लड बह रहा है, तो आप दिखा रहे हो बच्चे स्कूल जा रहे हैं पिट्ठू उठा के और हाथ में फूल पकड़े हुए हैं। मिथुन चक्रवर्ती जी ने इसमें रोल किया है किसी गवर्नमेंट ऑफिसर का, तो उन्होंने अब रवि का सीन ठोका गया है, बीच में सीन बनाया गया है कि चलो जी रवि स्क्वाड्रन लीडर खन्ना की बीवी की जंग की वजह से उनको दुनिया जानती है आज, वरना बड़े सोल्जर्स शहीद होते हैं हमारे, वन टू वन किसी का नाम नहीं जानता कोई कि फलाना। लेकिन इन्होंने क्या दिखाया है कि 3-4 ऑफिसर खड़े हैं, मिथुन चक्रवर्ती जी मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं और वो कहते हैं हाय रवि, रवि भी उनको देख के हाय करता है और बच्चे आते हैं वो उसको रोज प्रेजेंट कर रहे हैं रोड साइड पे और वो बच्चों को टॉफियां बांट रहा है। इतने में मिलिटेंट्स आते हैं, वो उनको गोलियां मार के तो चले जाते हैं। ये दिखाया है जो ऑब्जेक्शनेबल है, क्योंकि इनको यही दिखाना चाहिए था जो हुआ है, क्योंकि इनको क्या ये इन्होंने मेरे से परमिशन ली थी कि हम मूवी बना रहे हैं उसमें स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ये सीन डालना चाहते हैं, मैडम आप सच्चाई हमको बताएंगे कि क्या हुआ? बात आपने अग्निहोत्री जी से की थी कि आपकी बिना परमिशन के ये किस तरह से उन्होंने सीन क्रिएट किया? मुझे नहीं पता, आई पूछा मैंने कहा है वहां पे, और क्या इंडियन एयरफोर्स से पूछा है? मुझे तो छोड़ दो, डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछा है कि डिफेंस वालों के सीन इस तरीके से देने से एक स्क्वाड्रन लीडर खन्ना का ही अपमान नहीं मैं समझती, मैं पूरी डिफेंस फोर्स का ये अपमान समझती हूँ, दे आर ट्रेंड। अगले क्लिप में हम देखेंगे रवीश कुमार का ऐसा धमाकेदार इंटरव्यू जिसमें रवीश ने एक एक गोदी मीडिया के चाटुकारों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। देखें कैसे इस क्लिप में रवीश ने बताया कि ये सारे चैनल आप और हम सबके दिमाग में जहर भरने का और हमें बीमार करने के लिए पुरजोर प्रयास करते हैं। उससे भी खतरनाक स्थिति है। देखिए पहले नेता झूठ बोलते थे तो अखबार वाले टीवी वाले उस झूठ का पर्दाफाश करते थे, अब तो नेता के झूठ बोलने से पहले वही झूठ टीवी वाले बोल देते हैं। और जब आप झूठ बोलते हैं, जब आप वायलेंस फैलाते हैं और अपनी भाषा में हिंसा का, एक्सक्लूजन का, दूसरे समुदायों को अलग करने का, असहमति रखने वालों को लिबरल, टुकड़े टुकड़े गैंग बताने का, देशद्रोही बताने का, इन सब मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं? आप धीरे धीरे नागरिक को उसके नागरिक बोध और नागरिक अधिकार से बेदखल कर रहे होते हैं, उसे आप स्टेटलेस बना रहे होते हैं, जबकि हमारा आपका काम यह है कि हम नागरिक को सही सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, निर्भीक सूचनाओं से इतना एम्पावर करें, सशक्तिकरण करें उसका, कि उसका अधिकार बोध, नागरिक बोध बड़ा होता जाए, मजबूत होता जाए और सचमुच लगे कि स्टेट जो है उसकी, उसका सेवक है, उसका मालिक नहीं है। तो आज का जो टेलीविजन चैनल है और जो मीडिया है वो कहीं भी आप देखें, और भारत जैसे शिक्षित और शिक्षित अर्धशिक्षित समाज में जहाँ पे बहुत सारे जो पिता हैं जो दहेज लेने के बाद जो मारुति ले लेते हैं
और वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, आपके घरों में भी, आपके पिताओं को भी चेक कीजिएगा, तो 20 साल से कोई किताब नहीं पढ़े हैं, लेकिन कश्मीर पे आपको ड्राइंग रूम में ज्ञान देते मिल जाएंगे आपको, है ना। तो अपने पिताओं को चेक कीजिए घर में, बहुत खतरनाक स्थिति में हम पहुंचते चले नहीं, आजकल मेरा बाप मुझे शैतान नहीं बोलने वाला वो जो बोलेंगे बाद में उन्हीं को शर्म आएगी। संविधान की बड़ी दुहाई दी जा रही है रमेश। मैंने एक राष्ट्रीय प्रवक्ता से पूछा कितने अनुच्छेद हैं, कितने आर्टिकल हैं, प्रीएम्बल पढ़ के बता दो, तो नहीं पता था। नहीं पता रहेगा, क्योंकि हमने संविधान के हिसाब से नागरिकता का निर्माण नहीं किया। शपथ तो हमने ली थी कि हम सब कुछ संविधान के हिसाब से करेंगे, व्यवस्था का भी निर्माण करेंगे और नागरिकता का भी निर्माण करेंगे, लेकिन नहीं कर पाए। बहुत लोगों ने तो अपनी जिंदगी गुजर गई लेकिन संविधान की किताब अपनी आंखों से या स्पष्ट करके नहीं देखी है। आप मीडिया के हिस्सा हैं, आप एक चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं, सार्वजनिक मंचों से आप कहते हैं कि टीवी देखना बंद कर दो। हाँ, वो बहुत सारे लोग कहते हैं बेहतर करो या टीवी देखना ही बंद करो, दोनों है। आप अगर मेरा प्रोग्राम देखें तो मैं टीवी को बेहतर ही कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर लोग जब मेरे बारे में बात करते हैं तो सोशल मीडिया में आईटी सेल ने जो धारणा बनाई है उसके रिस्पॉन्स में करते हैं, लेकिन आप मेरे प्रोग्राम के बारे में बात कीजिए ना कि उसमें किस तरह का प्रयोग किया है, कि आज के ही समय में आप देखिए कि 30 मिनट की कमेंट्री चल रही है, उसको यूट्यूब में 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन देख रहे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि टीवी को नहीं देखना चाहिए। टीवी आपको दंगाई बनाने लगे, उस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने लगे, झूठ फैलाने लगे, सरकार से ना पूछकर आपसे पूछने लगे, तो इसका मतलब है कि वो टीवी नहीं है, वो प्रेस के नाम पर कमाई गई विश्वसनीयता का इस्तेमाल करके नागरिकों के अलग अलग समूहों को अलग अलग समय में उसको खारिज करता है और उसको कमजोर बनाता है। दोस्तों, कश्मीर फाइल्स पर आजकल बहुत सारे विवाद चल रहे हैं और मोस्टली पॉलिटिकल विवाद है, जहां केजरीवाल इसे बीजेपी की प्रोपेगेंडा फिल्म बताते हैं, दूसरी ओर बीजेपी केजरीवाल को उनके बयानों पर हिंदू विरोधी बोलते हैं। इस क्लिप में हम देखेंगे जब बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा केजरीवाल के बयानों को तोड़ मरोड़ कर झूठ बोलने का प्रयास कर रहे थे, तो कैसे आपके प्रवक्ता संजय सिंह ने संबित पात्रा और बीजेपी का सारा कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। झूठ बोलने का सारा ठेका आप लोगों ने रखा है संजय जी। अरे आपकी क्या हैसियत है, मैं बताऊं, आपको शर्म आएगी। नाक रगड़ लेना चाहिए चुल्लू भर पानी में। संबित जी, किसी का उन्होंने नाम नहीं लिया है। बता रहे गिरजा टिक्कू का नाम लिया अरविंद केजरीवाल ने। संबित जी, कहां नाम लिया? आप कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं आपके राष्ट्रीय चैनल पर बैठ के। अंजना, नहीं, मैं बात अपनी पूरी कर लूंगा तब ये जवाब देंगे। आपकी सरकार पर आरोप है शहीदों के ताबूत में दलाली खाने का, आपकी सरकार पर आरोप है, इसलिए बेबुनियाद बातें करना बंद कीजिए। ये लानत मलामत का जो दौर संबित के लिए शुरू हुआ, उसे संजय सिंह ने पूरी तरह से बीजेपी को एक झूठी पार्टी बताने में इस्तेमाल कर लिया और बार बार सवाल सिर्फ एक कि शर्म कहाँ है। संजय सिंह का ताहिर हुसैन को डिफेंड करता हुआ बयान दिखाएं। पहली बात, ऐसे नेशनल चैनल पे कम से कम बैठ के आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हो एक दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की, झूठ बोलने के लिए थोड़ा शर्मा लिया करो, थोड़ी सी शर्म रखो, ऐसे झूठ मत बोलो। खुलेआम झूठ बोलते हो आप लोग, इतना बेशर्मी के साथ झूठ बोलते। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।